गैलेक्सी A1 कौन है? कल कहाँ तक बताया था? सर, ये जो हाँ कल आप लेक्चर लिए तो वो रिकॉर्डेड है, तो हाँ रिकॉर्डेड है बेटा। उसकी लिंक मिल सकती है हमको? कल हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था ठीक है, आज मिल थोड़ा जाएगी सा। आपको, थैंक आप यू। मिल जाएगी आपको। बेटा आप लोग वीडियो को ऑन रखिए। थोड़ा सा इंट्रैक्शन सही रहता है अगर आप लोग वीडियो ऑन रखेंगे तो। अंकित वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा आप। अंकित अल्फिया मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अंकित वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। देखिए कल जो हम लोगों का लास्ट टॉपिक था वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था। अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक वेक्टर है AX, एक वेक्टर है हमारा A, इसको मैं लिख सकता हूँ AXi कैप प्लस AYj कैप प्लस AZk कैप। अब देखिए अगर मैंने इस फॉर्म में अगर आपने लिखा है वेक्टर को, तो यहाँ पे जो आई का कोफिशियंट है, आई का कोफिशियंट जो भी होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? एक्स कंपोनेंट, उस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को डिनोट करेगा। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अगर जे कंपोनेंट की बात करें या सिंपल वाई कंपोनेंट की बात करें, वो क्या होगा? कोफिशियंट ऑफ जे कैप। और के कैप का जो कोफिशियंट होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर के जेड कॉम्पोनेंट को। ठीक है। अब अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकला है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वेक्टर है, जो भी हमारा वेक्टर है वो X एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है। ठीक है। तो अल्फा हम लोगों ने जो डिफाइन किया है, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड X एक्सिस, एस एक्सिस और वेक्टर ए के बीच में एंगल क्या है? अल्फा है। तो कॉस अल्फा को याद करने का तरीका सिंपल, देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? किसके रेस्पेक्ट में ये एंगल है? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो एक्स कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? ए एक्स। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे ए एक्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोगों ने कॉस बीटा लिखा तो बीटा का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना है? बीटा। तो यहाँ पे बीटा हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? वाई कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई मॉडुलस मैग्नीट्यूड। और लास्ट पार्ट है कॉस गामा। कॉस गामा क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड वेक्टर ए, ये कितना हो जाएगा? जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हमारा आ गया। देखिए ये जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार नीट में पूछा गया था। ये फॉर्मूला कहाँ से है इससे कोई मतलब नहीं है, वो हम लोग वेक्टर मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक।
तो बस आपको फॉर्मूले को याद रखना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपके नीट में एक बार पूछा गया है। क्लियर है यहां तक? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? अब देखिए नेक्स्ट, हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स पढ़ लिए, उसके बाद आपने आई कैप, जे कैप, के कैप भी पढ़ लिया। आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। जे कैप क्या है? वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। और के कैप क्या है? जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर के प्रोडक्ट के दो रूल हैं, एक है आपका स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, दूसरा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखिए, अगर दो वेक्टर का मैं डॉट ले रहा हूं, अगर मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिलेगा? स्केलर, मेरे को स्केलर वैल्यू मिलेगी। अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिलना है? वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है जो आप लोगों को पहले से आता होगा, इसको नोट कीजिए। फिर मैं आगे चल रहा हूं, ये बताता हूँ कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है जो आप हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट। मैंने कहा कि दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर मैं ए डॉट बी लिखूं तो ये सिंपल क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैंने मान लिया कि ये दो वेक्टर ऐसे हैं ए और बी, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं तो जो भी रिजल्टेंट मेरे को मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का अगर मैं डॉट करूं तो रिजल्टेंट मेरे को क्या मिलेगा? स्केलर वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो हमने कल पढ़ा था। मैंने कहा कि यहां से आपने क्या किया, वेक्टर ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे आइए, ये जो आपने लिखा है ए डॉट बी, यहां पर अगर मैं ए कॉस थीटा लिखूं तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो ए कॉस थीटा, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो ए कॉस थीटा क्या बता रहा है? कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, बी के डायरेक्शन में वेक्टर ए का कॉम्पोनेंट कितना है? ठीक है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्पोनेंट ऑफ ए along b, वेक्टर a का b के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या है? वेक्टर a का b के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या है? a cos theta। अगर मेरे को दो वेक्टर डायरेक्ट दिया हुआ है, इस पर भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि मेरे को a और b दिया हुआ है और क्वेश्चन में आया है कि फाइंड आउट द कॉम्पोनेंट ऑफ a along b,
बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट कितना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, फॉर्मूले को याद करने का तरीका, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ठीक, डिवाइडेड बाय जिसके अलोंग आपको निकालना है कंपोनेंट, वो डिविजन में आएगा, डिनोमिनेटर में। मेरे को बी के अलोंग निकालना था इसलिए यहां पे बी आएगा। अगर मैंने सिंपल ये लिखा फाइंड आउट द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, मेरे को क्या करना है, बी का कॉम्पोनेंट निकालना है, मेरे को बी का कॉम्पोनेंट निकालना है अलोंग ए, ए के डायरेक्शन में बी का कॉम्पोनेंट कितना होगा। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, ए डॉट बी किसके अलोंग निकालना है, ए के अलोंग, इसलिए डिवाइडेड बाई ए। आगे समझ में, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए ये लिखा रहता है, कंपोनेंट की जगह वर्ड यूज किया रहता है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, दोनों का मतलब एक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए की बात करूं या सिंपल लिख दूं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, दोनों का मतलब एक है। क्लियर है यहां तक सभी को? आप लोगों ने नोट कर लिया? अब जैसे कि मैं कहूं आई डॉट आई, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप, अब आई डॉट आई कैप लिखूं तो मेरे को फॉर्मूला क्या पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो उसी तरीके से यहां पे लिखूंगा तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, आई कैप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है, तो दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, जीरो, ठीक है, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एंगल जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, तो सिंपल आई डॉट आई क्या आ जाएगा, वन। सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल टू वन, के डॉट के इज इक्वल टू वन। अगर मैं यहां पे करूं आई डॉट जे, तो आई डॉट जे का मतलब आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, आई का मतलब क्या है एक्स एक्सिस, जे का मतलब क्या है वाई एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सिंपल लिखूं आई डॉट के कैप, ये भी कितना हो जाएगा जीरो, मैंने लिखा जे डॉट के कैप, ये भी कितना हो जाएगा जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट में सिंपल याद करने का तरीका क्या है, अगर मैं दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूं तो जीरो मिलेगा, अगर सेम है तभी वन मिलेगा, अदरवाइज हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने कहा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा इनटू एटा कैप, ठीक है, याद कीजिए कल हम लोगों ने सिंपल वे देखा था किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, याद आ रहा है, ठीक। तो उसी तरीके से अगर मैं यहां पे देखूं
तो जो ए बी साइन थीटा है ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, और एटा कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अभी मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ। मैंने कहा कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। मेरे को ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में ए है उस डायरेक्शन में अपने चारों फिंगर्स को रखें, ठीक है। इस डायरेक्शन में ए है तो आपने चारों फिंगर्स को यहां पर रखा, अब बी की तरफ मूव कीजिए। मैं बी की तरफ मूव करूंगा तो मैंने मुट्ठी बंद कर ली, राइट हैंड कर्ल रूल, ठीक है। ए क्रॉस बी तो थंब कहां आ रहा है, आउटवर्ड। इसका मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मेरे को मिलेगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक। अब अगर यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो बी के डायरेक्शन में आपने चारों फिंगर्स को रखा है, क्रॉस ए मतलब कि ए की तरफ अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए, तो थंब कहां जा रहा है, इनवर्ड, ठीक। तो आपने एक चीज यहां पे क्या सीखी कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो मेरे को डायरेक्शन क्या मिल रहा है, आउटवर्ड। अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो मेरे को डायरेक्शन क्या मिल रहा है, इनवर्ड। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए बी साइन थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, और राइट हैंड कर्ल रूल लिख लीजिएगा कि कैसे आपने ये डायरेक्शन निकाला, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, बी क्रॉस ए का मतलब क्या होता है। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा आर क्रॉस बी, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं वहां पे भी कई जगह जब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वहां पे ये टर्म आता है डीएल क्रॉस आर, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा, बहुत जगह आने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट, तो डायरेक्शन यहीं पर समझ लीजिए। हम लोग सिंपल जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स में एक ही रूल लगाऊंगा मैं, और हर जगह यही रूल लगाऊंगा, राइट हैंड कर्ल रूल, कोई लेफ्ट हैंड नहीं लगाऊंगा। आप लोग 12th पास आउट हैं तो आपको थोड़ा सा पता होगा, जब हम लोग करंट का डायरेक्शन निकालते हैं तो उसमें लिखा रहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और जब हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं तो वहां पे लिखा रहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में गए प्रेशर के कारण पता चला जहां पे राइट हैंड लगाना था वहां पे लेफ्ट हैंड लगा दिया, ऑप्शन डिस्कनेक्ट मतलब गलत है उसको मार्क करके आ गया। इसलिए हम लोग एक ही रूल देखेंगे ताकि कभी कंफ्यूजन आए ना, ठीक है। और एक ही रूल से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई लेफ्ट हैंड रूल नहीं, सिंपल राइट हैंड कर्ल रूल। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि ए वेक्टर है आपका ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और बी वेक्टर है आपका ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। मैंने कहा कि मेरे को ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी लिखने का तरीका डिटर्मिनेंट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का आई का कोफिशियंट कितना है, ए वन बी वन सी वन, फिर बी का ए टू बी टू सी टू, ठीक है। रूल को ध्यान से समझिएगा, ये पहला प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर तीसरा प्लस होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं वन बाय वन करूंगा, मैं इसको एक बार ऐसे क्रॉस कर दूंगा, ठीक। ये चार टर्म बचे मेरे पास, ठीक है। कॉमन क्या रहा था, आई कैप, तो देखिए ए क्रॉस बी कैसे लिखूंगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप ब्रैकेट में,
बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू, ठीक है, बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू। उसके बाद देखिए दूसरा कौन सा आएगा, ये वाला, यहां पे साइन क्या आ रहा है, माइनस, तुम लोग लिखेंगे माइनस माइनस जे कैप। अब देखिए कौन कौन से टर्म बचे, ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू, ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू। सिमिलरली लास्ट टर्म, इस वाले को कैंसिल कीजिए, इस वाले को आपने कैंसिल किया, ठीक है, के कैप आ जाएगा। अब ये चारों टर्म बचेंगे आपके पास, ये वाले ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। ये देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, नोट कर लीजिए। स्क्रीन थोड़ी राइट में लीजिए, नहीं दिख रहा। नोट कर लिया, अब देखिए आई कैप जे कैप के कैप, अगर मैं क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा आई क्रॉस जे, मैंने लिखा आई क्रॉस जे, ठीक है, मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, सॉरी, ठीक है, आई क्रॉस जे, मतलब कि आई क्रॉस जे, ठीक, तो मेरे को थर्ड टर्म क्या बचा, के कैप, तो आई क्रॉस जे का मिले क्या मिलेगा मेरे को, के कैप। अगर मैंने कहा जे क्रॉस के कैप, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, थर्ड टर्म आई कैप। सिमिलरली अगर मैंने लिखा के क्रॉस आई कैप, अगर के क्रॉस आई करूंगा, मेरे को थर्ड टर्म क्या मिलेगा, जे कैप। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो सभी की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव। क्लियर है, अब देखिए अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूं तो नेगेटिव होगा,
क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई का मतलब क्या हुआ, आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। थर्ड टर्म क्या मिला मेरे को, के कैप, लेकिन क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस। उसी तरीके से आई कैप क्रॉस के कैप, इसको करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, थर्ड टर्म माइनस जे कैप। के क्रॉस जे, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो थर्ड टर्म क्या मिलेगा मेरे को, माइनस आई कैप। ये याद करने का तरीका है और ये यूज आएगा जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन करेंगे, फोर्स वगैरह निकालेंगे, वहां पे ऐसे टर्म्स आ जाते हैं। क्लियर यहां तक? अब देखिए, अभी तक आपने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट है ऑफ टू वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब मेरे को क्वेश्चन समझ में कैसे है, कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको दिया रहता है कि दो वेक्टर हैं और लिखा रहता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में आएंगे तो वहां पे क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द टाइम व्हेन velocity of particle is perpendicular to initial velocity। ठीक है, मतलब कि अब हमें समझना है, क्वेश्चन को पकड़ कर समझना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अगर कहीं पे भी फिजिक्स में कहीं पे भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अभी आपको पता है कि मैंने कहा कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ए और बी दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैं ये क्या लिखूंगा, ए बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा जीरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा कुछ समझ में आता है हमें कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो आंख बंद करके हम लोग फर्स्ट स्टेप ये कर देंगे कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो कर दीजिए, कुछ ना कुछ वहां से रिलेशन मेरे को मिल जाएगा, ताकि मैं क्वेश्चन में आगे सोच सकूं कि आगे क्या करना है। और ठीक है, तो लिख लीजिए, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। कई बार क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कई बार परपेंडिकुलर की जगह क्या वर्ड यूज किया रहता है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का भी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट। मैंने कहा कि मेरे पास तीन वेक्टर हैं ए बी और सी, तो मैं क्या कर रहा हूं, ए डॉट बी क्रॉसिंग, जिसको कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसका भी कॉन्सेप्ट हमारा आता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज ध्यान में रखिए, अगर तीनों वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हैं, तीनों वेक्टर में से
अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो. लिख लीजिए, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन देयर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो. देन देयर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो. और ये क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट पूछा गया था. ठीक है, मैं नीट का क्वेश्चन बताता हूँ. नीट में क्या दिया था? ये दिया था ए डॉट ए क्रॉस बी. इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिए, जीरो. बिल्कुल सही अंकित. यहाँ पे देखिए, ए और ए दोनों तो सेम वेक्टर है ना. सेम वेक्टर है इसका मतलब दोनों पैरेलल है ना. सेम वेक्टर है. ये ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है. दोनों एक ही को ऊपर तो लाइक कर रहे हैं, तो दोनों पैरेलल ही तो हुए. एक ही डायरेक्शन. पैरेलल का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में. ठीक है, अगर कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे को क्या देगा? जीरो. क्लियर है? नोट कर लीजिए, ये नीट ने पूछा था. और इसका एप्लीकेशन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखेंगे, कई जगह यूज आएगा जब हम लोग वर्क डन या फोर्स के बारे में बात करेंगे. अब देखिए, फर्स्ट पार्ट हम लोगों का हो गया. वेक्टर में ये बेसिक चीजें थी, इतना वेक्टर मेरे को आना चाहिए. ठीक है, इसके बियॉन्ड जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब लोग मैथ्स में पढ़ते हैं. इतना पोर्शन है जो कि हमारे पूरे फिजिक्स में यूज आएगा. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी मेरे को आनी चाहिए. ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे कितने फंक्शन होते हैं? छह. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखिए थीटा आता है. हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं? किसी पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू निकालते हैं कि साइन ऑफ 30 क्या है, कॉस ऑफ 45 डिग्री क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा कि एंगल को डिफाइन कैसे किया जाता है, कि एंगल को हम लोग लेते कैसे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, SHM वेव में बहुत यूज आने वाला है. ठीक है, वहां पे प्लस माइनस में यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं. देखिए, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस. पहला पॉइंट, एंगल को हम लोग हमेशा कहां से मेजर करेंगे? एक्स एक्सिस से. सेकेंड पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव. अगर मैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो जो एंगल की वैल्यू है वो मैं पॉजिटिव में लिखूंगा. अगर मैं एक्स एक्सिस से
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो मैं एंगल की वैल्यू माइनस में लिखूंगा, ठीक है। अभी हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल ले रहे हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। ये पॉइंट लिख लिया आपने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये, चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या कहा कि एंगल को हम लोग कहां से मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस से। तो मैंने मान लिया ये एक्स एक्सिस ये जीरो डिग्री है, मैं अगर 90 डिग्री मूव करूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, अगर मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अगर मैं 180 डिग्री मूव करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180, अगर मैं 270 डिग्री मूव करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 270, अगर मैं 360 डिग्री मूव करूं तो मैं वापस यहीं पे पहुंच जाऊंगा। तो आपने क्या कहा कि जो x एक्सिस और y एक्सिस है इसको आपने कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया, फोर पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट 0 टू 90, 90 टू 180 सेकेंड पार्ट, 180 टू 270 थर्ड, एंड 270 टू 360 फोर्थ। इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। मैंने कहा कि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब हमने क्वाड्रेंट को कैसे डिफाइन किया बेटा, क्वाड्रेंट को हमने एंगल के टर्म में डिफाइन किया। मैंने कहा कि अगर एंगल 285 है, 285 कहां पे आएगा, 270 और 360 के बीच में, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो क्वाड्रेंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्वाड्रेंट हम लोग एंगल के टर्म में डिफाइन करते हैं कि अगर इस रेंज में अगर एंगल है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर जीरो से लेके 90 डिग्री की रेंज में है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। हम लोग क्या निकालते हैं, इन सब की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एंगल पे निकालते हैं, और एंगल को मैंने क्या किया, फोर क्वाड्रेंट में डिफाइन कर लिया, ठीक है। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे हर एक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखा ऑल, मेरे की वही सब चीज लिख रहा हूं जो पॉजिटिव है। ऑल का मतलब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की और कोसेक, कोसेक, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, टेन की और कॉट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू होगी, कॉस की और सेक की। यहां तक क्लियर है, नोट कर लिया। अब देखिए यहां पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात करूं, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या, कौन कौन से एंगल हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, देखिए कौन कौन से एंगल हैं, 0, 180 और 360। वर्टिकल लाइन में कौन कौन से एंगल हैं, 90 और 270। अब देखिए इसको मैंने याद कैसे किया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन कौन से एंगल हैं, 0, 180 और 360। वर्टिकल लाइन पे कौन कौन से एंगल हैं, 90 और 270, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ
प्लस माइनस थीटा करूं, अभी आपको समझ आया कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे कि आपने एक चीज तो पढ़ी है, ये तो पढ़ा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, पढ़ा है ना, ठीक। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 90 का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइन, देखिए वर्टिकल लाइन पे 90 डिग्री आ रहा है ना, ठीक। तो इसको मैं अभी मैं बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अगर मैं वर्टिकल वाले के साथ प्लस माइनस थीटा करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाले के साथ प्लस माइनस थीटा करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते। इसको अपने वर्डिंग में थोड़ा लिख लीजिए। सर नहीं समझा हमको। जैसे कि बेटा मैंने लिखा, मैं वैसे एक एक करके पूरा भी 6 स्लाइड करवाऊंगा एक एक करके, अभी तो मैं लिखवा रहा हूं। जैसे कि मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा लिखा तो ये तो कॉस हो गया, साइन कन्वर्ट हो गया ना कॉस में, ठीक। तो ये जो 90 है ये कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, वर्टिकल वाले पे। तो अगर वर्टिकल वाले के साथ प्लस माइनस थीटा करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाले के साथ प्लस माइनस थीटा लिखूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 0 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, हर एक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगे हुए हैं स्टार्टिंग में, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, जो भी है। अगर मैं यहां पे प्लस माइनस थीटा कर रहा हूं तो यहां पे क्या लिखूंगा, देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं वर्टिकल वाले के साथ 90 प्लस माइनस थीटा करूं या 270 प्लस माइनस थीटा करूं, चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में, सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। अभी नोट कीजिए, अभी एक एक करके सभी एग्जांपल लूंगा। नोट कर लिया, ठीक है। अब जैसे एक एक करके एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मैंने लिया साइन 0 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है, इसको मैं पहले ध्यान से समझाता हूं कि हम लोग लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर मैं ये पूरा एंगल है, ये तो एंगल है, साइन के साथ जो टर्म होता है वो पूरा एंगल होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एंगल को देखेंगे। अगर मैं यहां पे एंगल को देखूं तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट है ना, जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंचेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग एंगल को देखेंगे और एंगल के हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर मैं इस वाले टर्म को देखूं तो मेरे को ये पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव. पॉजिटिव. ये पॉइंट मेरे हाथ में आ गया. अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि मेरे को ये तो पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आएगी. ठीक. अब दूसरी वैल्यू, दूसरी दूसरी चीज क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि ये जीरो जीरो कौन से लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है कि वर्टिकल लाइन पे? हॉरिजॉन्टल. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो मैंने बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं. तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, साइन थीटा, खत्म. साइन साइन ही रहेगा. ठीक है, लिख लीजिए इसी तरीके से. सिमिलरली जीरो प्लस थीटा कॉस थीटा टेन, जीरो प्लस थीटा टेन थीटा. सर सर थीटा इज ऑलवेज एक्यूट एंगल. हाँ, हमेशा एक्यूट एंगल होता है बेटा, तभी तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे. अगर थीटा को बिल्कुल ही वेरिएबल ले लिया, मैंने कहा कि 270 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा. वो एक्यूट होगा तभी मैं डिसाइड कर सकता हूँ. चलिए अब दूसरे पे आते हैं. जैसे कि मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, सोचने का वही तरीका. 90 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट किया, मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू पॉजिटिव होती है. 90 डिग्री कौन से लाइन पे है? वर्टिकल लाइन पे है. तो वर्टिकल लाइन पे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में. आया समझ में? तो बस इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा. और 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी चीजें पॉजिटिव होती हैं. 90 डिग्री आपके वर्टिकल लाइन पे है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके चेंज हो जाएंगे. क्लियर यहां तक? चलो अब मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा. सबसे पहले 90 प्लस थीटा, अगर मैं 90 में थीटा को ऐड करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव. तो ये तो पॉजिटिव आ गया. अब मैंने यहां पे 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या? वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस. फिर से 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. और ये 90 डिग्री वर्टिकल लाइन पे, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में. सिमिलरली माइनस कॉट थीटा. आगे समझ में? नोट कर लीजिए. नोट कर लियो. नाइन्टी प्लस ले लिया साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा. अब देखिए 180 माइनस थीटा, अगर 180 में से एंगल को सब्ट्रैक्ट करूं तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड. सेकंड. मेरे को ये तो पता चल गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक. साइन. अब 180 डिग्री, 180 डिग्री कौन से लाइन पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे. हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा. ये साइन है और साइन पॉजिटिव होता है, तो मैं सिंपल साइन थीटा लिख दूंगा. ये कॉस है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो मैं माइनस कॉट थीटा लिख दूंगा. और टेन की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, तो माइनस टेन थीटा लिख दूंगा. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे क्योंकि 180 डिग्री आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे. देखिए दो तीन दिनों तक आपको यही लगेगा कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ा भी रहा हूँ.
बिना इन सब के मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये बेसिक हैं, मैथमेटिकल टूल्स पे कमांड होना चाहिए हम लोगों का। वन एट्टी प्लस थीटा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है? सिर्फ और सिर्फ टेन, मतलब कि ये पॉजिटिव होगा और ये दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। 180 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन टेन कॉस, देख लीजिए कहीं पे डाउट है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू सेवेंटी में से थीटा को सबट्रैक्ट करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है? सिर्फ और सिर्फ टेन, सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, 270 क्या है? वर्टिकल लाइन पे, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएंगे। साइन हो जाएगा कॉस, कॉस टेन हो जाएगा कॉट, और कॉस हो जाएगा साइन। खत्म। टू सेवेंटी प्लस थीटा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है? सिर्फ और सिर्फ कॉस। तो मैंने इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखी और दोनों तो नेगेटिव होंगे। ठीक है, और 270 क्या है? वर्टिकल लाइन पे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। क्लियर यहां तक? अब जैसे कि मैंने लिखा साइन जीरो माइनस थीटा या साइन 360 माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा, ठीक, तीनों का मतलब एक है। जीरो में से माइनस थीटा करूं, इसका मतलब मैं किस डायरेक्शन में आ जाऊंगा? ये एक्स एक्सिस है ना, तो माइनस थीटा का मतलब किस डायरेक्शन में आ गया? क्लॉकवाइज, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मूव कीजिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 में से थीटा सबट्रैक्ट करूं तो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो तीनों का मतलब क्या है? सेम। और तीनों किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट को। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे जीरो और 360, जीरो और 360 दोनों क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस टेन। आगे समझ में? तो हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सीख लिया है।
ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे फॉर्मूले भी बताए जाते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला क्या करूंगा, फिजिक्स में जहां जहां पे फॉर्मूले यूज होंगे वहीं फॉर्मूले बताऊंगा। अगर मैं स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखवा दूंगा तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने मैथमेटिकल टूल्स में बचा के रखी हैं, वो सब हम लोग डायरेक्ट फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बता दूंगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कल और परसों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा, और फ्राइडे को हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे ग्राफ, ठीक है। तो इस वीक में आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर देंगे यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन, ठीक है। और यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन चलेगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा और डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। इसमें नहीं दूंगा, ये मैथमेटिकल टूल्स है, ये तो सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। इसमें अगर मैथ से क्वेश्चन दे दिए तो लगेगा कि मैथ सॉल्व कर रहा है, मैथ समय नहीं करना, मेरे को सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कोशिश करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक तक आपका यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोग का असाइनमेंट और शीट दूंगा डेली प्रैक्टिस पेपर, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद उम्मीद है कि जो थर्ड वीक से हम लोगों की क्लासेस होंगी वो 1.5 घंटे की हो जाएंगी। 3 वीक तक मैंने अभी टाइमिंग 1 घंटे का रखा है, ताकि जो बेसिक वाली चीजें हैं उसमें हम लोग थोड़ा स्लो चलें, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे वाली चीजें हमारी सब गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिक वाले 4 चीजों पे मैं ज्यादा कंसंट्रेट करता हूँ, उसके बाद मैं स्पीड अपने आप ही बढ़ा दूंगा, मेरे को पता है कि किस वाले पोर्शन पे स्पीड को बढ़ा देना है, ठीक है, और ड्यूरेशन कितने आवर्स का कर देना है, ठीक। तो अभी थोड़ी सी सीटिंग आप लोगों की करवा रहा हूँ ताकि 1 घंटे बैठ सकें, 3 क्लासेस हो रही तो 3 घंटे बैठ सकें, ठीक, और कुछ दिनों के बाद 4.5 घंटे बैठ सकें, और कुछ दिनों के बाद 6 घंटे बैठ सकें, ठीक है। वो टाइम डिसाइड किया हुआ कि कब सीटिंग हमें बढ़ानी है, और स्टार्टिंग में बढ़ा देता है 1 हफ्ते के बाद बीमार पड़ जाते, 2-2 घंटे लगातार बैठते तो, ठीक है। तो सैटरडे संडे को क्या रहेगा? सैटरडे को बेटा आप लोगों का टेस्ट होगा, तो अभी इस पे भी होगा, इस वीक में नहीं होगा, 2 वीक के बाद हम लोग फिजिक्स स्टार्ट तो कर दें, ठीक है, कुछ सिलेबस आगे बढ़े, तो दोनों दिन रहेगा सैटरडे संडे? नहीं, संडे तो ऑफ, एक दिन आप लोग पढ़ाई भी तो करेंगे, कि जितनी चीजें आप लोगों ने 1 वीक में पढ़ा है, इस सैटरडे टेस्ट नहीं है, हाँ, ठीक है। आपकी 5 डेज अ वीक क्लासेस होंगी, अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी, सैटरडे ऑफ रखा गया है, और वैसे हम ओवन हर एक सब्जेक्ट की अगर ड्रॉपर दर्ज देखा जाए तो 2 से 3 क्लासेस होती हैं पर वीक, लेकिन हम लोगों ने 5 डेज एक क्लासेस रखी हैं, कहीं पे भी, फिर ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर लीजिए, 2 से 3 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, 5 डेज ए वीक रखी गई है, और हर एक लेक्चर हर एक पर डे रखा गया है, क्योंकि टाइम कम है हम लोगों के पास, ठीक है। अगर ये कोरोना नहीं होता तो आप लोगों का बैच अप्रैल में स्टार्ट हो जाता, तो हम लोग 5 महीने ऑलरेडी पीछे हैं, ठीक, उसको कवर करना है हमें। और दूसरा, सैटरडे को फ्री टाइम रखा गया, सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, और उसके बाद अगर मेरे को आवश्यकता पड़ी, या केमिस्ट्री वाले सर को आवश्यकता पड़ी, या बायो वाले सर को आवश्यकता पड़ी, तो हो सकता है ये 2 या 3 घंटे की क्लास वो ले लें, या मैं ले लूं, मेरे को लग रहा है कि मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है तो मैं 3 घंटे की क्लास रख लूंगा सैटरडे को, ठीक है। ये पूरी फ्यूचर प्लानिंग है, आप लोग ये मत सोचिए कि सैटरडे संडे ऑफ हो गया, ऑफ का मतलब 1 वीक में आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं सबको दोबारा रिकॉल करना है, और सभी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन।